अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त सरबजीत कौर, मेरे चैनल हरी सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको मैं लेकर आई हूं पंजाब की फेमस सिटी तरनतारन साहिब। तरनतारन साहिब आपको मैं लेकर आई हूं, यहां पर गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है और इस गुरुद्वारा साहिब का जो सरोवर बना हुआ है वो इंडिया के जितने भी सिखों के इतने भी गुरुद्वारे साहिब बने हुए हैं उनका सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा साहिब का सरोवर है वो यहाँ पर है। आपको उसके दर्शन करवाऊंगी, आइए मेरे साथ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर छोटी सी मार्केट बनी हुई है और आपको बता दूँ मैं कि यहाँ से आप कोई भी सामान जो है खरीद सकते हो। वहाँ पर रोड पे तो बहुत ज़्यादा रश था, हो सकता है मेरी आवाज़ वहाँ पर अच्छे से नहीं आई होगी, तो कोशिश तो मैंने की थी कि मैं ज़ोर से बोलूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा बाज़ार है, यहाँ पर बाज़ार की छोटी सी मार्केट है। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ जोड़ा घर के बिल्कुल ही सामने, मैं खड़ी हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर आप अपने जूते जमा करवा सकते हो और साथ में ही बिल्कुल से गठरी घर बना हुआ है, वहाँ पर अपने बैग वगैरह रख सकते हो। और आपको बता दूँ कि इसके जोड़ा घर के बिल्कुल ही सामने साइड पर लंगर हाल बना हुआ है, तो वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से आप लंगर सकते, तो यहाँ दरबार से जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। तो चलिए पहले मैं अपने जूते जमा करवा कर फिर आपको मैं अंदर लेकर जाऊँगी। तो गाइज मैं अब अंदर आ चुकी हूँ, मैं वहाँ से अंदर आई हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे दर्शनी ड्योड़ी, उससे मैं अंदर आ चुकी हूँ। अब मैं आपको पहले सरोवर के दर्शन करवा दूँगी, तो आइए मेरे साथ। आप देख सकते हो ऐसे पीछे आपको ऐसे दिखा देती हूँ, फिर बैक कैमरा करके आपको अच्छे से दिखा दूँगी। दोस्तों मैं अब जा रही हूँ सरोवर के बिल्कुल पास में, तो आपको मैं अच्छे से बैक कैमरा करके दिखा दूँगी और मैं पाँच स्नाना भी कर लेती हूँ, ठंडक महसूस हो जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पांच चनाना कर लिया है और मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ का सरोवर और कितना बड़ा सरोवर है आपने देख ही लिया है। तो चलिए अब आपको मैं लेकर जाती हूँ दरबार साहब के अंदर, और उससे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि कहाँ से कड़ाह प्रसाद की देख मिलती है भोग लगवाने के लिए, आइए मेरे साथ। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप भोग लगवाने के लिए कड़ाह प्रसाद की देख ले सकते हो। ये दरबार साहब की बिल्कुल ही लेफ्ट हैंड में यहाँ से मिलती है देग, और यहाँ से आप भोग लगवा सकते हो। और आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर दरबार साहब जाने का कौन सा रास्ता है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये रास्ता है दरबार साहब के अंदर जाने के लिए। जाने से पहले आपको अंदर जाने से पहले आपको मैं दरबार साहब के बाहर का जो नज़ारा है बहुत सुंदर लग रहा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ।
मैंने अब आपको दर्शन करवा दिए हैं दरबार साहब के अंदर के, और मैंने आपको सरोवर भी अच्छे से दिखा दिया है, ठीक है ना। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको हिस्ट्री। तो इसकी जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, तो गुरु अर्जन देव जी ने जो इस सरोवर की, जो आप पीछे देख रहे हो मेरे, तो इस सरोवर की जो खुदवाई थी वो करवाई थी। तो वो कैसे करवाई थी वो भी आपको बताऊंगी मैं, कि जब गुरु जी ने खारा और फलासोर का जो गांव था उनकी ज़मीन थी, उसकी ज़मीन 157,000 रुपये तक खरीद कर तो गुरु जी ने इसकी खुदवाई की थी। तो इस काम के लिए बहुत सारी रुकावटें आईं, और जो जालिम लोगों ने, कई ऐसे लोग थे यहाँ पर भी जो उन्होंने बहुत रुकावट डाली थी, पर लेकिन गुरु महाराज जी ने कृपा की और इसकी जो खुदाई थी वो पूरी हो गई। और वो आपको बता दूँ कि जो इसकी जो पक्का करने की जो उन्होंने साथ दिया था वो थे सरदार नस्सा सिंह रामगढ़िया जी, और महाराज रणजीत सिंह जी ने इसकी जो साइट थी उनको पक्का करवाया था। तो सो दोस्तों, ये था इसका इतिहास जो आपको मैंने बताया है। ये सरोवर दुनिया के सबसे बड़ा सरोवर है जिसके मैंने आपको दर्शन करवाए हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। तो आपको मैंने इतिहास बताया है, इतिहास बताते हुए मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई होगी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।